हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड फिट एंड फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्विंग द लास्ट पेज ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन नंबर, पेज नंबर 142। सो हियर वन बॉक्स आर गिवन हियर, सो वी हैव टू फिल दिस ऑल द ग्रिड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर्स? वी हैव टू मल्टीप्लाइंग द नंबर्स व्हिच आर गिवन हियर। ओके, सो स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन। हियर यू कैन सी सम नंबर्स आर गिवन हियर। Which numbers are given here? You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in a vertical line. Okay, in vertical line 1 to 10 number are given here, and in horizontal line we can say that in horizontal line also 1 to 10 numbers are given here. हॉरिजेंटल लाइन किसे कहते हैं? जो स्लीपिंग लाइन होती है इसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और जो स्टैंडिंग लाइन होती है ना उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे दो लाइन है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजेंटल है, दोनों में 1 टू 10 नंबर दिए गए हैं। तो इनकी हेल्प से हम पूरी टेबल 1 टू 10 की टेबल यहाँ पे फिल करेंगे। 1 टू 10 पूरी टेबल यहाँ पे फिल करेंगे, कैसे चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको 1 की टेबल आपको फिल करनी है फर्स्ट लाइन में, तो आपको 1 को यहाँ से सिलेक्ट करना है और सामने वर्टिकल लाइन में आपको नंबरिंग से इसको मैच करना है। सो 1 जा ये हो गया 1, 1 2 जा ये हो गया 2, 1 3 जा ये हो गया 3, फिर 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7। इस प्रकार से आपको ये पूरा 1 की टेबल फिलअप करनी है। अब चलो 2 की टेबल देखते हैं, क्या 2 भी ऐसे सिलअप होगा? यस, वो भी होगा। कैसे? हमें हॉरिजेंटल लाइन में से 2 को सिलेक्ट करना है, फिर उसको मैच करना है वर्टिकल लाइन से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ना फिर 18, 20। इस प्रकार से आपको 2 की भी टेबल लिख देनी है। फिर आता है 3 4। चलो हम 4 की टेबल डायरेक्ट देख लेते हैं। 3 की टेबल आपको कर लेनी है, चलो 4 की देखते हैं। 4 हमने हॉरिजेंटल से 4 को सिलेक्ट करा, मैच करना है वर्टिकल से। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो इस तरह से आपको 4 की, 5 की, 6 7 8 9 10 सारी टेबल को अच्छे से फिल कर लेना है। ओके, फिर फिल करने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये सारी फिल कर ली है। अब हमें क्या करना है? लुक एट दी क्रॉस इन योर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नंबर सिलेक्ट करने हैं। चलो नंबर सिलेक्ट करते हैं, कोई भी नंबर सिलेक्ट करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो नंबर सिलेक्ट करे हैं वो कौन से हैं? वो हैं 15, 20, 25 and 16, 20, 24 का जब मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है? यहाँ पे 5 + 5 होगा 10, तो पीछे क्या बचा? 1 ऊपर कैरी, सो 1 2 3 4 5 6। आंसर कितना मिला? 60। यहाँ पे आंसर आया 60। 5, 20 और 25 को मैंने सिलेक्ट करा और टॉप टू बॉटम, ये है 15 टॉप और बॉटम में 25। सो टॉप टू बॉटम मैंने जब सिलेक्ट करा तो आंसर मुझे मिला 60। तो हम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड देखते हैं, अब इसमें आंसर कितना आता है? 16, 20, 24। 6 + 4 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो 0 नीचे और 1 ऊपर कैरी, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी देखो 6, तो दोनों आंसर मुझे मिले 60। यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60। तो आपको इस टेबल के अंदर क्या करना है? टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट आपको कोई भी 3D नंबर यहाँ पे जितने आप चाहो वो नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको आंसर जो आपने सिलेक्ट करा है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों का कैलकुलेशन आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, यू कैन चेक इज योर। आपको यहाँ पे देखना हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है 3 6 9, जो टॉप टू बॉटम है 3 6 9, इनका कैलकुलेशन कितना होगा? 9 + 6 15, 15 + 3 18। तो यहाँ पे आया 18 आंसर। अब 4 6 8 जो लेफ्ट टू राइट है इसको हम कैलकुलेट करते हैं 4 6 8। सो यहाँ पे क्या होगा? 4 + 6 10 एंड 10 + 8 18। तो देखो दोनों तरफ 18 ही आंसर आता है। तो आप कोई भी नंबर सिलेक्ट करो आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नीचे पैटर्न की तरफ।
लुक एट द क्रॉस इन योर ग्रिड, एड द नंबर्स टुगेदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम 369 लिया हमने आंसर 18, एंड एड द नंबर्स टुगेदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 468 लिया हमने तो आंसर मिला हमें 18. सो द टोटल इज द सेम. लुक फॉर सच अदर क्रॉसेस, कॉपी देम इन योर नोटबुक. तो आपको ऐसे बहुत सारे नंबर सिलेक्ट करने हैं और आपकी नोटबुक के अंदर इसको फिल करना है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पेज. हियर इन दिस पेज, पेज नंबर 142, मार्क द नंबर 1 to 10. हमें क्या करना है, 1 to 10 को हमने जो टेबल फिल करी है उसको कोई एक कलर से फिल कर लेना है. फिर 12 को 20 से भी जितने भी नंबर आते सारे को फिल कर लेना है, और 21 से 30 जितने भी नंबर आते सारे को फिल करना है. फिर हम देखेंगे कि दिनों की पैटर्न सेम आती है या नहीं आती. इनकी पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगी. आप जैसे कि फर्स्ट लेते हो ब्लू कलर से, ठीक है, सेकंड लेते हो रेड कलर से, और फोर्थ लेते हो ब्लैक कलर की पैटर्न. ठीक है, तीनों में आपने अलग अलग दिया, तो पैटर्न तीनों की अगर सेम आती है तो आपको आंसर लिखना है यस आई कैन सी अ पैटर्न, और अगर सेम नहीं आती तो आपको लिखना है नो आई कैन नॉट सी अ पैटर्न. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, एंड इन द लास्ट पेज यू हैव टू कवर. यहाँ पे आपको जो आपकी पसंद की जो टेबल है उसकी आपको टेबल लिखनी है. जैसे कि मेरी फेवरेट है 5 की टेबल, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं यहाँ पे टेबल लिखूंगा 5 की. 5 1 5, 5 2 10, ओके, 5 3 15. इन दिस वे आई हैव टू फिल अप दिस होल टेबल. ओके, सो यहाँ पे आपको एक टेबल लिख लेनी है जो आपकी फेवरेट है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंडिंग.